अपनी खबरों में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सुमित्रा देवी और नारायण पटेल के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि दोनों मनी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने मुझे और पूरी कांग्रेस को और जनता को धोखा दिया, ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। दरअसल सुमित्रा देवी और नारायण पटेल दोनों ही अरुण यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अरुण यादव की सिफारिश के बाद ही दोनों को कांग्रेस से टिकट मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और सचिन यादव मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे, मेरे परिवार को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तो अरुण यादव की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके दो जो विधायक गए, जो करीबी विधायक थे, उस पर उन्होंने कहा कि दोनों ये मनी ट्रैप में फंस गए हैं। हम दोनों भाई अरुण यादव और सचिन यादव कांग्रेस पार्टी के छोटे सिपाही हैं और हम लोग मरते दम तक कांग्रेस के साथ में रहेंगे और जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ ये सियासत की है, धोखेबाजी की है, उनको हम जनता के माध्यम से आगामी उपचुनाव में सबक सिखाएंगे।